उठो। हमारी की चाबी टूट गई हमारी। आज ये कपड़े वेयर करके जाऊंगी मैं आज। शुरू कर दिया। कैसी चाबी है यार ये? तीन ही है। धागे में लगी थी। नुकसान ही देंगे हमें। मैं दूर में खिला रही हूँ आप। पहले आप बसर सुइयां होती थी, धागे होते थे। लेकिन अब धागा नहीं है ना, ब्लू कलर के धागे से लगाना पड़ेगा। नजर तो नहीं आएगा ना इसके अंदर इतना ब्लू ही है साइड से भी, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। वैसे भी किसी को क्या है पता चले। अच्छा मैं सुई ऐसे डाल दूँ वापिस डब्बे में, पत्ते में डाल के डालू ना, टाइम ज्यादा हो रहा है। हार्ड से भी दौड़ गए, ये पता नहीं कैसे धस जाते हैं। सिलाई कच्ची लगाती हूँ आप क्या? लेकिन मेरे तो आपने सीए ना, मैं तो आपसे बोलूंगी। मेरे भी टेलर सीता तो नहीं, नहीं मेरे टेलर सीता तो मैं टेलर को बोलती। अब मेरी टेलर आप हो, फ्री की टेलर। बैग में रख दो अम्मी। शुक्र फ्री तो आई। आयशा भी कपड़े तो सी लेगी। चल हाल कर। कहाँ चले गए दोनों? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग यहाँ करे अपनी, कभी हम जो भी करें। और अंडा दिया? मेरा अंडा मेरी मर्जी, मैं तुम्हें दूँ। मेरा अंडा मत लेना आज, कल भी ले लिया था। आओ बल बल के संडे बनाओगे संडे। बाहर निकले यहाँ से, अंदर आओ, फिर पौधे खाने चले गए वहाँ पर। पौधे के बगैर गुजारा नहीं तुम्हारा। नहीं निकले बाहर। मैं नहीं जाऊंगा, पौधे खा के नहीं जाऊंगा। देखो निकल नहीं पा रही ना आप। चलो जल्दी आओ, कितनी मदद करते तुम लोगों की मैं। देखा अंडा ही दे दिया करो कम से कम। मैं नहीं दूंगी, चल टाइम दूंगी। अच्छा सही, मिर्ची फेंकी है ना सारी, फेंकी है ना सारी मिर्चें ये तूने है। अच्छे काम होते कोई होते अच्छे काम कोई। उठाओ सारी मिर्चें ये इसके अंदर डालो, इसके अंदर उठा उठा के डालो, इसके अंदर हलो ये उठा उठा के लो, डालो डालो इसमें डालो इसमें। काम से अम्मी यहाँ पर बाहर गई थी और साथ में मैंने यहाँ पर गर्मी बहुत थी, तो ये साथ में पी रही नींबू पानी। और उसके बाद अब कमरे में से अलमारी को बाहर निकाला और साथ में इतने ज़्यादा गंद हो गया, सारी क्लीनिंग की। साथ में आपको दिखा रही हूँ कि पापा ने मुझे एक मेडिसिन ला के दी जिसका नाम था ब्लू डॉल, जिसको खा के मुझे आराम आ गया मेरी गर्दन की पेन का। अगर किसी को और भी हो रहा है, किसी और को भी हो रहा है, तो वो भी खा सकता है, उसको आराम आ जाएगा। रात को फिर मैंने यहाँ पर कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए, क्योंकि ना कॉफ़ी इसलिए मैंने बनाई क्योंकि ना मेरे गले में इतना ज़्यादा दर्द था, आप लोगों को पता ही, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। तो उससे ना आराम आ जाता है ना, कॉफ़ी मैंने पी तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और बहुत मज़ेदार सी कॉफ़ी बनी थी। मैंने बहुत स्ट्रांग कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए और बाकी सबके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, और सबसे ज़्यादा बड़ा वाला बंग मेरा था इसके अंदर। देखो दीदी है क्या, आपकी औलादे होती ना आप तो सुख में होती दीदी, अगर आपकी औलादे होती ना। आपकी पर में आपको परेशान नहीं करूंगी। अभी मेरे अभी अभी तो पर बड़े हुए, बड़े हुए ना इसके, एक साइड के पर बड़े हुए पूरे की, देख रही हो? क्योंकि एक दो तीन कलियां छोड़कर टाइट से पकड़ो उसको, उड़ना उसकी लग जाएगी कैंची अगर उसको टाइट से नहीं पकड़ा तो। शुरू के तीन छोड़ने हैं, शुरू एक दो तीन कलियां छोड़कर। बिल्लू आप मिट्टी को देखते हो ना, इसलिए हमने कहा पता चले किसी दिन असर ही ना आ जाए उसका। चलो तो रात में उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी अचारी अरवियाँ। और मैं तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी ने खाना बनाया, तो आज अम्मी ने एक नई स्टाइल से अरवियाँ बनाई। उसके अंदर पहले कुकिंग ऑयल डाला, टमाटर डाल के हरी मिर्ची डाल के उसको सॉफ्ट करने रख दिया। साथ में इमली थी, इमली को थोड़ा भिगो के रख देंगे ठीक है। अब इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और अब इसके बाद से इसके अंदर डाल देंगे अपनी कटी हुई अरवियाँ। अच्छा अरवियाँ थोड़ी कम थी, साथ ही में ना मैंने थोड़े से इसके अंदर आलू भी मिक्स कर दिए थे, तो मतलब ताकि हमारा खाना जैसे है, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है इसके हिसाब से वो कम थी, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ना वो कर मतलब उसके ना आलू भी काट के डाल दिए। साथ में अचार गोश्त का मसाला डाला, उसको भी फ्राई करेंगे। और बस इसके अंदर कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, अच्छी बनी थी बहुत। लेकिन बस जैसे वो स्टाइल था ना वैसे तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये अचारी अरवी भी मज़ेदार थी। और मैं ये क्लिप सिर्फ इन लोगों के लिए, जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपने बर्तनों पर साबुन नहीं लगाती हैं, सोप का इस्तेमाल नहीं करती, तो भाई देख लें हम लोग अपने बर्तनों पर सोप भी यूज़ करते हैं, लिक्विड सोप भी यूज़ करते हैं, जो भी आप लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, और हम लोग मतलब अपने बर्तनों पर साबुन ज़रूर लगाते हैं। साथ ही मैं बोलूँगी जो लोग मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में बताना नहीं भूलेगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और ठीक है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कैसे लगा। और अगर आपको इस टाइप के व्लॉग्स पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएगा कि इस टाइप के व्लॉग्स मैं और भी बनाऊँ, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करूँ ऐसे व्लॉग्स, क्योंकि
मैं आप लोगों के साथ नए नए टाइप के व्लॉगिंग शेयर करने वाली हूँ, नए नए टाइप की, ताकि आप लोगों को जो पसंद हो तो फिर मैं वही वाला काम करूँ ताकि आप लोगों को भी पसंद हो। तो यहाँ पर पापा तो खाने वाले थे अपने हड्डी गुड़नियाँ, साथ में हमारा खाना तो बन चुका था, मज़ेदार शेयर भी की कतलियाँ। लेकिन मैं आपको पहले फिर भी बोलूँगी कि जो वो वाला स्टाइल है ना, जो अजवाइन से बकार का बनाते हैं, उसके टेस्ट को ये बीट नहीं कर रही थी। मतलब उसके टेस्ट को कोई कोई भी अरबी की मेरे ख्याल से रेसिपी कोई बीट कर ही नहीं सकती। साथ में थोड़ी सी इमली भी डाली थी इसके अंदर अम्मी ने, क्योंकि टमाटर हमारे पास थोड़े कम थे। अब यहाँ पर जैसे पहले गल जाए ना, उसके बाद डालेंगे, वरना आपकी अरबियाँ ना एड भी सकती हैं, इसलिए हम लोग लास्ट में डालेंगे। ठीक है, आप लोग इसकी जगह लेमन भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह इसके साथ टमाटोज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। आप लोग टमाटर डालते हैं, वैसे हम लोगों ने इमली का यूज़ किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि टमाटर नहीं थे हमारे पास, और इसलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और बस मज़ेदार सा हमारा डिनर हो जाएगा, और यहाँ का रात तक व्लॉग यहीं तक ने डे स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर आयशा ना रात में काम कर रही थी, क्योंकि इतना उसका लेट वर्क थोड़ा जमा हो गया था। इस तरह रोज़ाना जाती है, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा काम ना जमा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सुस्त है ये लिखने में, और ना इसको लिखने में थोड़ा मतलब स्लो है। उर्दू के काम ना लिखने में वैसे भी ज़्यादा स्लो है, और आप लोगों को पता है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनकी उर्दू की राइटिंग और वो लिखने में भी बहुत स्लो होते हैं। बहुत कम ऐसे खुशनसीब लोग होते हैं जिनको मतलब इन ये दोनों चीजें ना हो। हम इन जूतियों का बाजार लगाने वाले। मेरी जूतियाँ टूट गई हैं, पापा की बननी पड़ेंगी। मदीर ढेर। आयशा की जूती टूट गई, मेरी टूट गई, आयशा की टूट गई। तो यहाँ पर हमारी मुर्गी ने फाइनली अंडा दे दिया, क्योंकि वो दोपहर के टाइम देती है अंडा, तो हमें अभी पता चला। जगह है तो इतनी सारी, जाओ बीच में इतनी सारी जगह, वहाँ बैठो, जाओ इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। डेफिनेशन याद हो गई? नहीं हुई, करो जल्दी। आती नहीं है, माइक्रोस्कोप बनाना नहीं आता तुम्हें? पता है, ये तो आसान है वैसे। क्या हुआ? बंगाल हलवाई, हज्जन, फुप्पन नहीं फुप्पी। क्या है ये, क्या है ये? मग्गल, जमल, अलजुम्मा भी आती है आपको? बुध, क्या भैया कौन से मई, ये कौन से हफ्ते के नाम है दोस्त को? मेरे शिका दी। हाँ खा रहा हूँ, तो मैंने खा लो। आप खा लो पहले, आपका पेट भर लो। मेरे प्यारे शिका दी, आपको बहुत पसंद है अनार। हाँ, बहुत पसंद है, मेरे लिए लेकर आई हूँ आप? हाँ, आपके लिए और भी अनार लेकर आई हूँ, खा लो, उसके बाद और भी दूंगी। ठीक है, और कुछ नहीं लाई मेरे लिए? आप लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई, सब्जी लेकर आई हूँ, मुझे नहीं खिलाओगी? आप अनार तो खाओ, उसके बाद मैं आपको और भी चीजें दूंगी। चलो